हेलो दोस्तों, आज मैं बनाऊंगी तिवरा भाजी। देखिए, तिवरा भाजी को मैंने अच्छे से साफ कर लिया है, साफ करके धो लिया है। अब इसको मैं काट दूंगी। इसको मैंने काट लिया है, बड़ा बड़ा था उसको थोड़ा छोटा छोटा कर लिया है। अब इसको मैं गर्म पानी में डाल, देखिए पानी खौल रहा है, इसमें मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है। अब इसको मैं डालूंगी और चम्मच चला के ढक दूंगी। देखिए, मैंने चम्मच चला दिया। अब इसको मैं पकने के लिए ढक दूंगी। बीच बीच में मैं चलाते रहूंगी चम्मच ढक्कन खोल के। इसमें मैं 2 टमाटर और 1 कटोरी मटर डालूंगी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आपको जैसे कि पता होगा, छत्तीसगढ़ की 36 भाजियाँ, तिवरा भाजी उसमें से एक है, जो बहुत टेस्टी लगता है। टमाटर मैंने काट लिया है, उसको मैं सब्जी में डालूंगी जिसको मैं पका रही हूँ भाजी को। इसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों, दूसरे भाजी के जैसे जल्दी नहीं पकता है, कम से कम आधा घंटा लग जाता है, लेकिन बहुत ही टेस्टी लगता है। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। मैंने जो गरम पानी किया था उसमें भाजी डाला था, मैं उसी पानी में पका रही हूँ। इसको उबालना नहीं है, उसी पानी में पकाना है भाजी को। अब मैं चम्मच चलाऊंगी इसमें। देखिए, मैंने दोनों टमाटर डाल दिए हैं काट के। अब इसमें मैं चम्मच चला के नमक डाल दूंगी अपने स्वाद अनुसार। इसमें अब मैं नमक डालूंगी। ये भाजी पक के थोड़ा सा हो जाएगा तो नमक मैं थोड़ा सा ही डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी। बाद में मैं चख के थोड़ा और डालूंगी अगर कम हुआ तो। देखिए, 15 मिनट से ज़्यादा हो गया है मेरे भाजी को। आप हाई फ्लेम पर सब्जी बनाई पकाइए भाजी को, ताकि वो जल्दी से पके। मटर को मैं बाद में डालूंगी, अभी से नहीं डालूंगी, क्योंकि मटर को लास्ट में डालेंगे एकदम पक के वो पिचक जाएगा। इसलिए जब इसमें थोड़ा सा रस बचेगा तब उसको डालेंगे मटर को हम। दोस्तों, इस भाजी में लहसुन और प्याज का प्रयोग मत कीजिएगा, खासकर लहसुन का। लहसुन को डालने से इसका टेस्ट बिल्कुल बदल जाता है। अब इसमें मैं मटर डाल दूंगी, पानी थोड़ा सा बचा है। इसको मिक्स कर दूंगी और इसको अच्छे से सूखा होते तक पकाऊंगी। देखिए, मेरी सब्जी पक चुकी है। अब इसमें रस थोड़ा सा बचा है, अब इसको मैं फ्राई कर दूंगी। देखिए, थोड़ा सा बचा है, इसको मैं फ्राई कर दूंगी। अच्छे से पक गई, देखिए इतना सारा भाजी कितना सारा हुआ है। चलिए फ्राई करते हैं, चलिए सब्जी को फ्राई करते हैं। मैंने थोड़ा सा तेल लिया है, आधा चम्मच, क्योंकि ज़्यादा तेल डालने से तेल लगता है भाजी। आधा चम्मच तेल लिया है, उसमें 2 मिर्ची डाले हैं। अब इसमें भाजी को मैं डालूंगी। देखिए, अच्छे से मिर्ची हो गया है। देखिए, मैंने भाजी डाल दिया है, इसको अच्छे से चला लूँगी चम्मच। इसमें भाजी बनकर तैयार है, पूरा भाजी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।